Hello students, today we are going to start types of teeth. In previous video you see that your digestive system and you study that your digestive glands and digestive system, different organs of which participate in digestive system and different digestive glands which participate in digestion system. Today we are going to read about our teeth, how many types of teeth are present in our mouth, and these teeth, how these teeth function about your digestion. ये जो teeth होते हैं ये हमारे digestion में कैसे help करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हम study करने वाले हैं. तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और अपने टीथ को समझने की कोशिश करें. अब देखो, मनुष्य जो होता है उसको माना जाता है डाइफायोडोंट और थीकोडोंट. तो ये थीकोडोंट क्या होता है? थीकोडोंट मींस क्या होता है? थीकोडोंट का मतलब होता है कि आपके जो टीथ हैं वो टीथ आपके माउथ में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और किस प्रकार से वो अपना फंक्शन करते हैं आपके डाइजेशन में, प्रोसेस में. तो इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे. तो थीकोडोंट के बारे में आप समझने की कोशिश करें. देखें, आपके जो माउथ है उस माउथ के अंदर दो जॉज प्रेजेंट होते हैं. In our mouth, two jaws are present. हमारे माउथ में कितने जॉ प्रेजेंट है? दो. कौन कौन से? Which are found अपर एंड लोअर पोर्शन. आपके ऊपर और निचले भाग में दोनों जो जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? और ये जॉज के अंदर, जबड़ों के अंदर ए सेट ऑफ टीथ ईच jaw have a set of teeth. कितने होते हैं एक jaw के अंदर बताओ? 16. प्रत्येक जबड़े में कितने दांतों का सेट होता है? 16. ठीक है. ये सभी जो टीथ होते हैं, all teeth are located in a coop. All teeth are located in a coop. Coop means होती है खांच, ठीक है ना? All teeth are located in a coop found in the jaw. और coop कहाँ पर found होगी? Jaw में. देखो मैं इसको explain करता हूँ. हमारा जो माउथ है, इस माउथ के अपर और लोअर पोर्शन में एक एक जॉ प्रेजेंट है और इस जॉ के अंदर 16 टीथ का एक सेट प्रेजेंट है. और ये जो टीथ हैं ये आपके जॉ में कहाँ पर हैं? कूप. ऑल टीथ आर लोकेटेड इन ए कूप. सभी जो टीथ हैं, सभी दांत हैं, वो एक खांच में उपस्थित हैं. कहाँ पर? एक खांच में. जैसे आपका दांत जब उखड़ता है तो उस जगह पर एक गड्ढा बनता है, उसको क्या बोलेंगे? कूप. जो गड्ढा बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे? कूप, ठीक है ना? तो ईच जॉ हैव ए सेट ऑफ टीथ 16 और ऑल टीथ आर लोकेटेड इन ए कूप फाउंड इन द जॉ. सच ए मोल्ड इज कॉल्ड गम.
सच ए मोल्ड इज कॉल्ड गम। और ये जो खांच जहां पर उपस्थित होती है उसको क्या बोलोगे आप? गम, यानी कि मसूड़ा। गम माने क्या होगा? मसूड़ा। कहां पर प्रेजेंट है? एक जौ, आपके जौ के अंदर, मसूड़े में। डिस्पोजिशन, ऑफ दिस पोजिशन ऑफ जॉ एंड टीथ, जॉ एंड टीथ इज कॉल्ड क्या? थीकोडोंट। अब देखो थीकोडोंट किसको बोल देंगे? इन अवर माउथ, हमारे मुंह में टू जॉस आर प्रेजेंट, दो जबड़े उपस्थित होते हैं। विच फाउंड अपर एंड लोअर पोर्शन, जो आपके अपर और लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ईच जॉ हैव ए सेट ऑफ टीथ 16, आपका जो प्रत्येक जॉ है, जबड़ा है, उसके अंदर 16 दांतों का एक सेट प्रेजेंट होता है। ऑल टीथ आर लोकेटेड इन ए कूप फाउंड इन द जॉ, और सभी के सभी जो दांत हैं वो एक कूप जो आपके जबड़े में प्रेजेंट है उस कूप के अंदर उपस्थित होते हैं। सच ए मोल्ड इज कॉल्ड, और इस तरह की ये खांच जो बनती है, जो खांच बनती है उसको क्या बोलते हैं हम? गम। गम माने मसूड़ा, उसको हम मसूड़ा कहते हैं। मसूड़े के अंदर एक खांच बनी होती है और उस खांच के अंदर दांत फिट होता है, ठीक है ना? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। थीकोडोंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? गर्त दंती, यानी कि गड्ढे के अंदर दांत प्रेजेंट है। योर टीथ इज प्रेजेंट इन ए कूप, आपके दांत एक गड्ढे के अंदर उपस्थित हैं, इसलिए यू आर थीकोडोंट, आपको क्या बोला जाएगा? गर्त दंती, ठीक है ना? अब थीकोडेंट है। अब ह्यूमन को और क्या बोला जाता है बताओ? डाइफायोडोंट। क्या बोला जाता है? डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्यों बोला जाता है बताओ? देखो, इन ह्यूमन लाइफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ आर रेज्ड इन अवर माउथ। हमारी जो मानव जीवन होता है उस मानव जीवन में दो प्रकार के दांत, टू टाइप्स ऑफ टीथ आर रेज्ड, दो प्रकार के दांत आपके मुंह के अंदर उगते हैं। फर्स्ट टीथ इज कम इन योर चाइल्डहुड, दीज टीथ आर नॉन एस मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपके मुंह के अंदर सबसे पहले दांत उगते हैं और उनको क्या बोलते हैं हम? दूध के दांत, या उनको प्राइमरी टीथ बोलते हैं। फिर ये जो टीथ होते हैं ये टाइमली आफ्टर सम टाइम्स दीज आर डिस्ट्रॉयड, ये आपके मुंह से उखड़ जाते हैं। इसके बाद स्टेबल टीथ आपके मुंह के अंदर आते हैं। पहले टीथ कैसे हो गए? अनस्टेबल, प्राइमरी टीथ जिनको बोला था, और सेकेंडली जो टीथ आपके मुंह के अंदर आए हैं वो कैसे? स्टेबल। अब वो जीवन भर लाइफ, टोटल लाइफ स्पान आपके साथ रहने वाले हैं। अगर ये स्टेबल टीथ आपके अगर उखड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं या कोई कारणवश खराब हो जाते हैं तो आपको अब दोबारा तीसरी बार टीथ नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना? तो आपके जीवन काल में आपको दो बार दांत आए, इसलिए आपको डाइफायोडोंट, यानी कि द्विवार दंती, यानी कि जीवन काल में दो बार दांत आते हैं, इसलिए आपको क्या बोला जाता है? डाइफायोडोंट, ठीक है ना? तो डाइफायोडोंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे? ह्यूमन लाइफ, देखो, ह्यूमन हैव डाइफायोडोंट टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट, ह्यूमन हैव डाइफायोडोंट टीथ अरेंजमेंट, डाइफायोडोंट टीथ अरेंजमेंट इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, इन विच टू डिफरेंट
टाइप्स ऑफ टीथ, जिसमें दो प्रकार के दांत, जिसमें दो प्रकार के दांत कौन कौन से, टेम्परेरी टीथ टेम्परेरी टी ई एम टेम्परेरी टीथ, जिसको क्या बोल सकते हो आप, मिल्क टीथ। टेम्परेरी टीथ को तो क्या बोला था आपने, मिल्क टीथ। एंड परमानेंट टीथ, एंड परमानेंट टीथ, एंड परमानेंट टीथ, एंड परमानेंट टीथ आर फाउंड इन दियर लाइफ स्पान, लाइफ स्पान आर फाउंड इन देयर लाइफ स्पान। आपके जीवन काल में आपको दो प्रकार के दांत आते हैं। पहले दांत तो क्या होते हैं, टेम्परेरी दांत, जिनको मिल्क टीथ बोलते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, इसलिए आपको क्या माना जाता है, यानी कि मनुष्य को क्या माना जाता है, डाइफायोडोंट। तो थीकोडोंट का मतलब क्या हो गया और डाइफायोडोंट का मतलब क्या हो गया। थीकोडोंट का मतलब तो हो गया कि हमारे जो जबड़े हैं उन जबड़ों के अंदर 16-16 टीथ का एक पेयर होता है, 16-16 टीथ सेट होते हैं। अब ये जो 16 टीथ सेट हैं, ये किस तरह से सेट होते हैं, ये एक कूप लाइक स्ट्रक्चर में सेट होते हैं, और ये कूप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर होती है, गम के अंदर, यानी कि गम के अंदर एक गड्ढा सा होता है, उस गड्ढे के अंदर आपका टीथ होता है, इसलिए आपको क्या बोला जाता है, थीकोडोंट, यानी कि गड्ढे के अंदर दांत उपस्थित होते हैं, इसलिए आपको क्या बोला जाता है, थीकोडोंट। और डाइफायोडोंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि योर लाइफ स्पान देयर आर टू टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड, आपके जीवन काल में आपके मुंह के अंदर दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए आपको डाइफायोडोंट कहा जाता है। पहले दांत जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जिनको मिल्क टीथ बोलते हैं, और दूसरे वाले जो दांत होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और ये उखड़ने के बाद फिर दोबारा से नहीं आते। अब देखो आपके मुँह के अंदर कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कितने टीथ होते हैं, तो हम देखते हैं कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन अवर माउथ। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन अवर माउथ, हमारे मुंह के अंदर चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब चार प्रकार के दांत कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसीजर्स, पहला कौन सा है, इंसीजर। अब इंसीजर जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं, ये आपके फ्रंट टीथ हैं। दीज आर फ्रंट टीथ, ये जस्ट आपके सामने वाले जो दांत होते हैं ना वो वाले हैं, दैट कैरी आउट निबलिंग एंड कटिंग, निबलिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। ये आपके सामने वाले दांत हैं जिनका काम क्या हो गया, निबलिंग एंड कटिंग, यानी कि भोजन को काटना और कुतरना, निबलिंग मीन्स होता है कुतरना, ठीक है ना। और ये कब उगेंगे आपके, दे कम आउट एट 6 month ऑफ एज, दे कम आउट एट 6 month ऑफ एज, यानी कि 6 महीने की उम्र में आपके
मुंह के अंदर कौन से दांत उग जाएंगे? इंसिजर। दूसरे हैं कैनाइंस। दूसरे दांत कौन से हैं? कैनाइंस। देखो कैनाइंस क्या होते हैं, दीज टीथ वर्क टू दीज टीथ वर्क टू टीयर, भोजन को चीरना और फाड़ना है। भोजन को क्या करना है? चीरना और फाड़ना है। टीयर एंड चोप द फूड, चोप द फूड। जो कैनाइंस टीथ होते हैं वो दीज टीथ वर्क टू टीयर एंड चोप द फूड, ये भोजन को काटने और कुतरने का काम करते हैं। दे आउट्स एट द एज ऑफ 16 टू 20 मंथ, और ये कब उगते हैं? 16 से 20 महीने की उम्र में। दे आउट्स ऑफ, दे आउट्स ऑफ एट एज ऑफ 16 टू 20 मंथ्स, 16 से 20 महीने की उम्र में आपके कैनाइंस उग जाएंगे। और ये जो कैनाइंस होते हैं ये कितने कितने होते हैं? अपर और लोअर जॉ के अंदर टू टू होते हैं। द जॉज हैव टू टू कैनाइंस ईच, द जॉज हैव टू टू कैनाइंस ईच, प्रत्येक जो जबड़ा होता है उस जबड़े के अंदर कितने होते हैं? दो दो दांत होते हैं, ठीक है ना। और ये जो दांत होते हैं ये कौन से प्राणियों में ज्यादा डेवलप होते हैं? दीज टीथ, दीज टीथ आर मोर डेवलप्ड, आर मोर डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं, शिकार करने वाले जो होते हैं वो, उनके अंदर जैसे कैनाइंस टीथ कौन से हैं? देखो आपने शेर के दो दांत निकले देखे होंगे ना, वो टंगेनाइंस हैं, ठीक है ना। आपके सामने वाले जो चौड़े चौड़े जो टीथ हैं वो क्या हैं? इंसिजर हैं, टू अपर जॉज में और टू लोअर जॉ में। और ये कैनाइंस भी टू अपर जॉ में और टू लोअर जॉ में, ठीक है ना। अब थर्ड जो टीथ है, ऊपर से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। ऊपर से इरेज करने से पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, थीकोडोंट क्या है। थीकोडोंट का मतलब है आपके जो जॉज होते हैं उन जॉ में 16 टीथ का एक सेट प्रेजेंट है, और ये सभी जो 16 टीथ हैं ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? इन एक कूप फाउंड इन जॉ, जबड़े के अंदर कूप में प्रेजेंट होते हैं। और सच ए मोल्ड इज कॉल्ड गम, ये जो गर्त होता है, ये जो खांच होती है जो कहाँ पर होती है? मशूड़े के अंदर होती है। दिस पोजिशन, ये जो स्थिति होती है आपके जबड़े की और दांतों की, जबड़े की और दांतों की जो ये स्थिति है इसको क्या बोल रहे हैं हम? थीकोडोंट बोल रहे हैं। और डायफायोडोंट क्या होता है? वुमन हैव डायफायोडोंट टीथ, मनुष्य के अंदर दो बार दांत आते हैं, दो बार दांत आने की व्यवस्था होती है, इन विच जिसके अंदर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, दो प्रकार के दांत आते हैं, पहला है टेम्परेरी टीथ और दूसरा है परमानेंट टीथ, आर फाउंड इन दियर लाइफ स्पान। मनुष्य के जीवन काल में दो बार दांत आने की व्यवस्था होती है, जिसमें पहली बार के दांत होते हैं टेम्परेरी और दूसरे वाले होते हैं परमानेंट, और इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? डायफायोडोंट बोलते हैं। अब आपके माउथ के अंदर फोर टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से पहला है इंसिजर। इंसिजर जो होते हैं वो फ्रंट टीथ होते हैं, और फ्रंट टीथ होते हैं दे कैरी आउट निबलिंग एंड कटिंग ऑफ फूड, ये भोजन को काटने और कुतरने का काम करते हैं। दे कम आउट एट 6 मंथ्स,
ये 6 महीने की उम्र में बच्चों के अंदर उग जाते हैं और कैनाइंस जो टीथ होते हैं उनका वर्क जो होता है वो टियर एंड चोप करने का होता है फूड को, यानी कि चीरने और फाड़ने का होता है। दे आउट्स ऑफ एट एज ऑफ 16 to 20 months, ये कितने एज में आते हैं, 16 से 20 महीने की उम्र में आपके बॉडी के अंदर उग जाते हैं, आपके माउथ के अंदर उग जाते हैं और ये ट्यूट्यू होते हैं कैनाइंस प्रत्येक जबड़े में। और ये ज़्यादा जो अच्छे डेवलपमेंट इन दांतों का जिसके अंदर होता है वो कौन होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर ये वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट टीथ जो कौन सा है, प्रीमोलर। नेक्स्ट टीथ देखते हैं कौन सा, प्रीमोलर। अब ये प्रीमोलर जो टीथ होता है ये आपके जो फूड लेंगे आप वो फूड को चविंग करने का काम करता है, क्या काम करता है, चविंग का काम करता है, ठीक है ना। तो थर्ड जो टीथ है हमारे पास वो कौन सा है, प्रीमोलर्स, 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 जिनते हम अगली वाली दाढ़ कह सकते हैं, ठीक है ना। दे आर हेल्पफुल इन चविंग द फूड, किस काम को हेल्प करते हैं, दे आर चविंग यानी कि भोजन को चबाने का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, चविंग ऑफ द फूड, ये आपके भोजन को चबाने का काम करेंगे। और ये आपके जो दोनों जबड़े हैं इनमें कितने कितने होंगे, बोथ द जॉज है, बोथ द जॉज हैव फोर फोर, चार चार, फोर फोर प्रीमोलर टीथ, दोनों जबड़े में चार चार प्रीमोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं। और ये कब डेवलप्ड होते हैं, जब आपकी उम्र 10 से 11 साल की हो जाती है, दे बिकम फुली डेवलप्ड, दे बिकम फुली डेवलप्ड इन एट एज ऑफ 10 टू 11 ईयर्स, जब आप 10 से 11 साल के हो जाते हैं तो ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं फोर नंबर पर कौन से हैं, मोलर, कौन से टीथ है बेटा, मोलर, मोलर जो होते हैं ये भी आपके टीथ जो होते हैं ये चविंग करने का काम करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, चविंग करने का काम करते हैं। दीज टीथ आर हेल्पफुल इन चविंग ऑफ फूड, दीज टीथ आर चविंग ऑफ फूड, ये भी भोजन को चबाने में हेल्प करने वाले होते हैं। और ये कितने होते हैं, देयर आर सिक्स सिक्स मोलर्स हैव ईच जॉ, प्रत्येक जबड़े के अंदर कितने कितने, छः छः, ठीक है ना। तो ये फोर टाइप्स के टीथ आपकी बॉडी के अंदर यानी कि आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ टीथ देख रहे हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन अवर माउथ, हमारे माउथ के अंदर, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम में आपको एक्सप्लेन किया गया था आपके माउथ को, और माउथ में आपको बताया था कि माउथ के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे टू जॉज, वन टंग, फोर टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है, ये सारी चीजें आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट थी ना। टू जॉज जिनमें प्रेजेंट क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, और आपके टंग होती है, टंग आपके फूड को मूवमेंट कराती है जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और आपके टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके फूड को कटिंग, निवलिंग, चविंग,
ये काम करते हैं। टू मस्कुलर लिप्स ऑल्सो प्रेजेंट इन योर माउथ, दीज लिप्स हेल्प्स टू ओपन एंड क्लोज द माउथ एंड कैच द फूड, भोजन को पकड़ने में और मुंह को खोलने और बंद करने में आपके दोनों जो लिप्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। अब उन सब के बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया था, लेकिन स्पेशली आपके सिलेबस में टीथ के बारे में दिया गया। तो टीथ में आपको बताया गया कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके अंदर टीथ के ऑन द बेसिस ऑफ टीथ इनको क्या कहा जा सकता है, व्हाट वी से अबाउट ह्यूमन। तो ह्यूमन इज ए थीकोडोंट एंड डाइफायोडोंट। तो थीकोडोंट क्या होता है, थीकोडोंट में तो जो आपके एवरी जॉज हैं उसके अंदर ए सेट ऑफ टीथ अबाउट 16 प्रेजेंट, 16 दांतों का एक ग्रुप आपके एक जबड़े के अंदर उपस्थित होता है और वो जो टीथ हैं वो एक कूप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं और उस कूप लाइक में जो मल्ड स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं, गम, उसको गड्ढे को क्या बोलते हैं, गम। यानी कि ये जो दांत की पोजीशन है गम की और यानी कि आपके जबड़े की और टीथ की जो ये पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं, हम थीकोडोंट बोलते हैं। डायफायडोंट में ह्यूमन लाइफ स्पान में टीथ आर कम आउट्स एट टू टाइम्स, मनुष्य का जो जीवन काल होता है उसमें दो बार दांत उगते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेरी टीथ कम आउट, उनको क्या बोल सकते हो आप, मिल्क टीथ बोल सकते हैं, एंड सेकेंडरी परमानेंट टीथ आर कम आउट, और बाद में कौन से आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं, मनुष्य को डायफायडोंट बोल सकते हैं, दो बार दांत उग गए ना। अब आपके माउथ के अंदर जो टीथ हैं वो कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स कौन सा है, इंसीजर, इंसीजर जो होते हैं वो आपके फ्रंट में होते हैं, इंसीजर ये वाले फ्रंट में होते हैं और ये फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं ये फूड को निबलिंग और कटिंग करने का वर्क करते हैं। और ये कब आ जाते हैं, जब आप कितने एज के हो बताओ, कितने एज के हो, 6 मंथ के हो, तब आपके माउथ के अंदर ये उग जाते हैं। दूसरे जो टीथ हैं वो कौन है, कैनाइंस होते हैं। कैनाइंस एवरी जबड़ा एवरी जॉस कंटेन टू टू कैनाइंस, प्रत्येक जबड़े में दो दो कैनाइंस प्रेजेंट होते हैं। ये कैनाइंस जो होते हैं ये फूड को क्या करते हैं, किस चीज में वर हेल्प करते हैं, टीयर एंड चोप, टीयर एंड चोप यानी कि आपका जो फूड होता है उसको चीड़ने का और फाड़ने का काम करते हैं। ये कैनाइंस जो टीथ होते हैं ये वेल डेवलप्ड किस में होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर होते हैं। और ये कब उगते हैं, ये आपकी उम्र का 16 से 20 महीने की उम्र में उगते हैं, ठीक है ना। थर्ड टाइप्स ऑफ टीथ है प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स जो टीथ होते हैं वो चविंग का काम करते हैं आपके फूड का, और दोनों जबड़ों के अंदर ये 4-4 प्रेजेंट होते हैं। और ये कब डेवलप्ड होते हैं, जब आपकी एज 10-11 ईयर्स की हो जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद आप जब बड़े हो जाते हो तो मोलर्स आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं और ये भी चविंग का काम करते हैं, और जो मोलर्स टीथ होते हैं वो 6-6 आपके जबड़ों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये टीथ का सिस्टम है आपके माउथ के अंदर, इसको ध्यान से चेक करो और ध्यान से इसको नोट करो, ठीक है। देखो इसको, हाँ, तो स्टूडेंट्स टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में। देखो एक्सक्रीशन सिस्टम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर आपने फूड इंटेक किया, फूड इंटेक करने के बाद फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उसमें जो एसेंशियल सब्सटेंस थे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, उनको बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एसेंशियल सब्सटेंस को जब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है, ठीक है ना। अब नाउ हियर वी सी दैट द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप इन अवर बॉडी, इफ सॉलिड वेस्ट आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर एक्सपल आउट थ्रू एनल पोर, इफ लिक्विड वेस्ट इन योर बॉडी विच आर
एक्सपल आउट बाय योर किडनी. इफ गैसियस वेस्ट प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर एक्सपल आउट थ्रू लंग्स. इफ सम अदर लिक्विड वेस्ट आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी विच आर एक्सपल आउट थ्रू योर स्किन. तो डिफरेंट ऑर्गन्स आर हेल्प इन एक्सक्रीशन इन अवर बॉडी. एक्सक्रीशन करने में आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं. यहां पर हम मेनली जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है वो आपकी जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया गया है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज आपकी बॉडी सेल्स में हुई है, उस बॉडी सेल्स की एक्टिविटीज के थ्रू, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है उसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सपल हुआ है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से कैसे आउट करना है, ये प्रोसेस एक्सक्रीशन में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम लिक्विड वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से कैसे एक्सपल आउट करते हैं, उस प्रोसेस को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो देखो, इन दिस नेचर डिफरेंट टाइप्स ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एंड दीज ऑर्गेनिज्म एक्सपल आउट डिफरेंट वेस्ट मटेरियल. मोस्टली लिक्विड वेस्ट मटेरियल्स आर नाइट्रोजिनस. दीज नाइट्रोजिनस वेस्टेस आर डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्सपल नाइट्रोजिनस वेस्ट इन अदर फॉर्म. तो यहां पर हम देखते हैं कि नेचर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो उनकी बॉडी में बनने वाले जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उन नाइट्रोजिनस वेस्ट को किस तरह से एक्सपल आउट करते हैं, अपनी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट करते हैं, इस चीज को यहां पर हम देखते हैं. तो देखें, सबसे पहले हम एक्सक्रीशन सिस्टम को, एक्सक्रीशन होता क्या है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ए मैकेनिज्म. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ए मैकेनिज्म टू एक्सपल आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से एक्सपल आउट यानी कि बाहर निकालता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसी मैकेनिज्म, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हो. इट इज ए सिस्टम इन विच, ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें द वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड बाय बॉडी सेल्स, आपकी बॉडी सेल्स के द्वारा जनरेट किया जाएगा, आर डिस्पोज आउट ऑफ द बॉडी, और उनको आपकी बॉडी से डिस्पोज किया जाएगा. तो आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज आउट करने के लिए क्या क्या सिस्टम होता है, जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीशन सिस्टम होता है. अब आपकी बॉडी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में. वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सबसे ज्यादा एसेंशियल कौन सा है, ग्लूकोस. ग्लूकोस आपके ब्लड में आ गया, अब ये ब्लड के थ्रू ये आपकी सेल्स के पास पहुंचेगा, और आपने रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू आपकी सेल्स के पास पहुंचेगी, वहां पर ग्लूकोज का कम्बस्टन होगा. ग्लूकोज का कम्बस्टन होगा तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, और वहाँ एनर्जी रिलीज होगी तो वहाँ से कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी बनेंगे. अब वो वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड के थ्रू ही डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पहुँचेंगे, जहाँ से उनको आपकी बॉडी से एक्सपल आउट किया जाएगा, एक्सक्रीट किया जाएगा. अब ब्लड के अंदर अगर वो आ रहे हैं तो वो कौन सी फॉर्म में आ रहे हैं, बताओ बेटा, लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं. अब ब्लड के अंदर लिक्विड फॉर्म आ रहे हैं तो लिक्विड वेस्ट को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करने में एक जो की रोल प्ले करती है वो कौन सा ऑर्गन है, किडनी. द किडनी प्ले ए की रोल इन दिस मैकेनिज्म. तो एक्सक्रीशन सिस्टम की जो की रोल प्ले करने वाली ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी है, किडनी. तो
यहां पर अब देखते हैं, मैंने अभी आपको बोला था कि नेचर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं और उन वेस्ट प्रोडक्ट को वो किस किस सिस्टम से, किस किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, वो चीज हम यहां पर देखते हैं। तो मोस्टली जो वेस्ट, लिक्विड वेस्ट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और इन नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सपल आउट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस की यूज की जाती है, ये चीज हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। नाइट्रोजनस वेस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। नाइट्रोजनस बेस्ड हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला नाइट्रोजनस बेस्ड होता है उसको बोलेंगे हम अमोनिया। क्या बोलेंगे बेटा? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला ध्यान है ना, क्या होता है? NH3 इसके अंदर है ना प्रेजेंट नाइट्रोजन, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस बेस्ड। और इस नाइट्रोजनस बेस्ड को एक स्पेशल सिस्टम के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट किया जाएगा। तो जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को क्या बोलोगे? अमोनियोटेलिक एनिमल्स। नोट करेंगे, एनिमल्स विच एक्सक्रीट, विच एक्सक्रीट अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिक। उनको क्या बोलोगे? अमोनोटेलिक, ठीक है ना। मेनी ऑर्गेनिज्म आर एक्सक्रीट अमोनिया, उनको हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं और लिखेंगे। अब देखो, अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है। एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव वाटर इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट अमोनिया। अगर अमोनिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना है तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा पानी बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये अमोनिया हमारी बॉडी में हो जाए डायरेक्ट और इसको हमें एक्सक्रीट करना है तो हमको हमारी बॉडी को बहुत सारा पानी इसके साथ बाहर एक्सक्रीट करना पड़ेगा, तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसलिए ये जो अमोनोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहां पर रहते हैं? ये वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बोनीफिसेस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बोनीफिसेस और एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं अमोनोटेलिक के, ठीक है ना। तो अमोनोटेलिक की डेफिनेशन आपके पास आ गई। अमोनोटेलिक में होता क्या है ये चीज आपको पता लग गया। और अमोनोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन है, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। इसके बाद देखते हैं हम सेकेंडली नाइट्रोजनस बेस्ड जो है वो कौन सा है? यूरिया। यहाँ पे मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, हम वी आर एक्सक्रीट यूरिया थ्रू अवर यूरिन, हम हमारे यूरिन के थ्रू यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो देखो, बॉडी के अंदर जो सेल्स के में मैकेनिज्म होगी, सेल्स के अंदर जो मैकेनिज्म होगी यानी कि मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज होंगी उनके थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
हम डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं कर सकते, इसलिए वो अमोनिया हमारे लिवर में पहुंचती है और हमारा जो लिवर होता है उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और अब वो यूरिया जो हो जाता है वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है और यूरिया लेस टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो अपना जो लिवर होता है वो हाईली टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में, और अब इस यूरिया को हमारी जो किडनी होती है वो फिल्ट्रेट कर लेती है, और फिल्ट्रेट करने के बाद हम इसको लिक्विड वेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे यूरिया इमिशन इज ए प्राइमरली डन बाई मेमल्स। यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं? मेमल्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दोस ऑर्गेनिज्म, लिखो दोस ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट, दोस ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट यूरिया, विच एक्सक्रीट यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिक। उनको क्या बोलोगे? यूरियोटेलिक। ठीक है ना, अब यूरियोटेलिक क्यों कहते हैं बताओ? आपका जो लिवर होता है वो क्या करता है? अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। तो लिवर कन्वर्ट्स द अमोनिया, लिवर कन्वर्ट्स द अमोनिया प्रोड्यूस्ड, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, बाय द सेल्स इनटू यूरिया। आपकी जो बॉडी सेल्स हैं उन्होंने जो अमोनिया को प्रोड्यूस किया है, उस अमोनिया को हमारा जो लिवर होता है वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूरिया में। ठीक है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो यूरिया इज देन फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीट बाय द किडनी। यूरिया को आपकी जो किडनी होगी, यूरिया को अभी मैंने बोला था ना, आपकी जो किडनी होगी वो क्या करेगी? फिल्टर्ड करेगी। यूरिया इज देन फिल्टर्ड एंड, यूरिया को फिर किडनी क्या कर देगी? यूरिया इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड, एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। और इसके लिए आपको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, एडिक्वेट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और वो वाटर का आपकी बॉडी से निकल जाता है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो इसके लिए आप एग्जांपल्स लिखेंगे, मेमल्स, मेमल्स में कौन आएंगे? आप लोग खुद एंड सम फिशेस, कुछ मछलियां भी होती हैं ऐसी। ठीक है ना, अब थर्ड जो नाइट्रोजनस बेस्ड है वो है यूरिक एसिड। थर्ड जो नाइट्रोजनस बेस्ड है वो क्या है? यूरिक एसिड। ठीक है ना, दोज ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड, लिखो दोज ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड, विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। उनको क्या बोलोगे आप? यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक अलग अलग है दोनों। ठीक है ना, अब
ये जो यूरिक एसिड को निकालने वाले एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इन दीज ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, अमोनिया कन्वर्ट्स किसमें, इंटू यूरिक एसिड। इसमें अमोनिया किसमें बदली है, यूरिक एसिड में, ठीक है ना। और आप लोगों के अंदर अमोनिया किसमें बदली थी, यूरिया में, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं कौन सी फॉर्म में, या तो पेस्ट फॉर्म में या ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, और बहुत ही कम बार पानी के साथ। लिखो, लिखेंगे यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स और पेस्ट, या तो गोली 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 सी या पेस्ट, पेस्ट अलोंग विद वेरी लिटिल वाटर, अलोंग विद वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी के संग, ठीक है ना, बहुत कम पानी के संग। और यहाँ के एग्जाम्पल्स कौन हो जाएंगे, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में कौन आएंगे बताओ, रेप्टाइल्स में आएंगे स्नेक, छिपकली, वर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। देखो वर्ड जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं वो बीट डालते हैं, बीट जो होती है उनकी वो पेस्ट फॉर्म में आती है या फिर ग्लोबुल्स में आती है, आगे बात समझ में, पेस्ट या ग्लोबुल्स में आते कि नहीं आते, और उसमें बहुत कम पानी होता है तो वो यूरिक एसिड होती है, क्योंकि वर्ड्स की बॉडी में जो अमोनिया होती है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है या कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिक एसिड के अंदर, और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही लिटिल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़े से पानी के साथ इसको इजी वे में एक्सक्रीट किया जा सकता है। तो ये बच्चे हो गए नाइट्रोजनस बेस्ड आपके पास 4-3 टाइप्स के विद एग्जांपल्स, तो आप इनको नोट कर लें, और नोट करने के साथ साथ ध्यान से चेक करें, और इसमें अपने स्वयं का आपको ध्यान रखना है, अपने स्वयं का, अपने स्वयं का क्या एक्सक्रीशन है, यूरिया, हम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं किसकी फॉर्म में, टॉयलेट फॉर्म में, लिक्विड वेस्ट के रूप में, ठीक है ना। ये लिक्विड रूप में आपका जो यूरिया होता है इसको हम एक्सक्रीट करते हैं, और यहां से आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूरिया के एक्सक्रीशन को किस तरह से किडनी फॉर्म करती है, किडनी किस तरह से उसको प्ले करती है यूरिया को एक्सक्रीट करने में रोल अपना, वो हम यहाँ पर आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो तब तक हमको ये ध्यान में रखना है कि एक्सक्रीशन सिस्टम क्या होता है, और एक्सक्रीशन सिस्टम के थ्रू किस तरह के वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, अमोनिया नाइट्रोजनस बेस्ड है, यूरिया नाइट्रोजनस बेस्ड है, यूरिक एसिड भी नाइट्रोजनस बेस्ड है। अब मेनली यहां पर ध्यान रखना है, मुख्य रूप से टोटली ऑर्गेनिज्म जो हैं उन सब के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजनस वेस्ट जो फॉर्म होने वाला है वो है अमोनिया। अब इस अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो इस अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट कर सकते हैं, जैसे वाटर में प्रेजेंट एक्वाटिक एनिमल्स, ये तो क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए एक्सेसिव अमाउंट में वाटर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। बट सम
ऑर्गेनिज्म है, सम ऑर्गेनिज्म आर नॉट एक्सक्रीट अमोनिया इन अमोनिया फॉर्म, सो इन दियर बॉडी दिस अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू अदर्स सब्सटेंस लाइक इन मैमल्स एज ह्यूमन बीइंग अमोनिया कन्वर्ट्स इन यूरिया बाय द किडनी बाय द लिवर एंड एक्सक्रीट आउट बाय द हेल्प ऑफ किडनी. वेल इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स अमोनिया कन्वर्ट्स इन यूरिक एसिड इन एक्सक्रीट विद लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन पेस्ट एंड ग्लोबुल्स फॉर्म. तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मेनली जो नाइट्रोजनस बेस्ड फॉर्म होने वाला है टोटली ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन सा है, अमोनिया. और इस अमोनिया ही ये कन्वर्ट होती है यूरिया और यूरिक एसिड में, ठीक है ना. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन सिस्टम डेवलप है वो किस तरह से उसकी वर्किंग प्रोसेस होती है, ठीक है. ओके, थैंक यू.